हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये देखिए, जैसे हमने एक्सेल के अंदर स्टाटा फिल कर रखा है, जैसे हमने टेबल बना रखी है, तो इसके अंदर जैसे हमने क्वांटिटी ले रखा है, रेट ले रखा है और अब अमाउंट है, तो अब इसके हमें अमाउंट निकालनी है। जैसे फॉर्मूला लगाते हैं हम, जैसे कोई भी एक्टिव करवाने के लिए केस है इनका, तो जैसे हम फर्स्ट का एक्टिव करवाएंगे, फिर उसके बाद हमें ट्रैक करना पड़ता है, तो हमें इसे बार बार ट्रैक ना करना पड़े, एक ही साथ हमारा एक्टिव हो जाए, तो इसके लिए हम कोई फॉर्मूला इस प्रकार सेट कर ले कि बार बार हमें कोई फॉर्मूले फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम आपको विदाउट फंक्शन के बता देते हैं किस प्रकार आप कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ फंक्शन विदाउट के कर रहे हैं, तो पहले क्या लेंगे हम, जैसे इक्वल टू प्रेस कर लिया, फिर हमने जैसे क्वांटिटी ले ली और फिर इनटू प्रेस कर लिया, यहाँ पर इनटू प्रेस कर लीजिए मल्टीप्लाई का निशान, ये देखिए, फिर हमने दूसरा सेल ले लिया, ये हो गया, और एंटर प्रेस कर लिया। तो ये इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट सेल एक्टिव हुआ है, हमारे बाकी सेल नहीं एक्टिव है। बाकी सेल एक्टिव करने के लिए क्या करते हैं, हम ये ट्रैक कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये इस प्रकार हमारा ट्रैक करने भी हमारा एक्टिव होता है। तो हमें इसे एक साथ एक्टिव करवाने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए हम फंक्शन का यूज किस प्रकार कर सकते हैं ये बताते हैं। अब पहले इसे ब्लैंक कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके, ये देखिए, दोबारा से कंट्रोल जेड कर लें, ये देखिए हमारा ब्लैंक हो गया। तो बात आती है फंक्शन के साथ, फंक्शन के साथ किस प्रकार एक्टिव करवाए, तो इसलिए क्या करेंगे हम पहले से इसे ट्रैक कर लेते हैं इस प्रकार, ये देखिए, ये इस प्रकार ट्रैक कर लिया हमने पहले से। फिर हम जैसे इस फंक्शन के साथ यूज कर रहे हैं, फंक्शन के साथ यूज किस प्रकार करेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला लिया था वही फॉर्मूला लगा लेंगे, या इक्वल टू प्रेस कर लेंगे, फिर सेल वन ले लिया, फिर इनटू प्रेस कर लिया, फिर दूसरा सेल ले लिया, अब हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस किस प्रकार करेंगे हम, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, ये देखिए। तो अब हमें बार बार ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक साथ ही हमारा सारे फॉर्मूले एक्टिव हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।